राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के केस में कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा को 20 जुलाई को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। उसके बाद 23 जुलाई को फिर कोर्ट ने राज की कस्टडी पुलिस को दी थी। इससे पहले अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर भी पहुंची थी और घर की तलाशी ली थी। मामले में राज की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई थी। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में बताया है कि राज के घर से कई अहम सबूत मिले हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं। इस संबंध में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट नियुक्त किया गया था, जिसकी मदद से डेटा वापस मिल रहा है। राज के घर से हार्ड डिस्क और मोबाइल मिले हैं। iOS पर जब आरोपियों के हॉटशॉट दिखाए जा रहे थे तो उन्हें एप्पल से 1,13,64,886 रुपए मिले थे। जिन बैंक खातों में पैसा जमा किया गया था उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और अन्य बैंक खातों से जब्त कर लिया गया है। अभी कुछ फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। राज कुंद्रा के साथ इस केस में 11 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें उनके IT हेड रियान थोरपे भी शामिल थे। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उन पर अश्लील कंटेंट के निर्माण और प्रसार का आरोप है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्लील फिल्म बनाने और उसे ऐप पर अपलोड करने के बारे में खुलासा किया था। पुलिस ने इसी महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मामले में हमने जांच में पाया है कि राज कुंद्रा मुख्य साजिशकर्ता है। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। राज कुंद्रा के पूर्व असिस्टेंट उमेश कामत ने कथित तौर पर उनका नाम लिया था। पुलिस ने कहा था कि राज कुंद्रा प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होता है और उसके ऑफिस से अश्लील क्लिप और ईमेल सहित आपत्तिजनक सबूत पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अश्लील सामग्री का निर्माण और संचालन राज कुंद्रा के मुंबई ऑफिस से किया गया था। कुंद्रा हॉटशॉट्स ऐप पर अश्लील कंटेंट के निर्माण और स्ट्रीमिंग में भी शामिल थे। इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट केस का भांडाफोड़ मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने हुआ था। जब क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस केस के तार मशहूर बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़े हुए हैं, तो इसकी जांच की जाने लगी। 5 महीने की जांच के बाद क्राइम ब्रांच को पुख्ता सबूत मिले, जिसके आधार पर राज को गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई ने कैनरिन नाम की एक कंपनी बनाई है, जिस पर पोर्न फिल्में दिखाई जाती हैं। फिल्मों के वीडियो भारत में शूट किए जाते थे और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें विदेश भेजा जाता था। पुलिस के मुताबिक जब फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, उस दौरान राज कुंद्रा ने तुरंत अपना फोन बदल दिया था। बीते दिनों हुई रेड में क्राइम ब्रांच को पोर्न वीडियोस के कारोबार से जुड़े कई सबूत मिले थे। टीम ने राज के घर और ऑफिस के सर्वर को सीज कर दिया था। साथ ही उनके बहनोई प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि अभी तक शिल्पा शेट्टी के इस मामले में लिप्त होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की जा चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।